अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त अहबाब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, ये आज की वीडियो है, टोयोटा क्रोला पे 2007 मॉडल है। ठीक है, वीडियो का ये है कि ये इग्निशन कोयल में कौन सा नंबर, कौन सी ये जो पिन होती है, चार पिन होती हैं, कौन से पे ग्राउंड, कौन से पे करंट आएगा, ठीक है, और कौन सी इसकी पल्स ECM जो हमारा पल्स देगा तो ये कोयल वर्क करेगी। ठीक है, इसको जानने के लिए हम ये जो टोयोटा सेलेक्ट करेंगे, 2007 मॉडल है, ठीक है, टोयोटा सेलेक्ट करेंगे क्रोला, और चार सिलेंडर गाड़ी है और 1.8 ओके और 1ZZFEE इंजन है इसका। ठीक है, नीचे से इसको हम ओके कर देंगे तो ये पेज खुलेगा। इधर से हमने कुछ भी या चाहे ECM का डायग्राम या किसी भी चीज़ का डायग्राम हमने चेक करना हो तो हम ये इजीली चेक कर सकते हैं। तो ये कोड एरिया ये वाला सारा, ठीक है, उसके बाद हमने ये P में कोड आते हैं, सही है, P, C और B ये कोड हैं। अगर इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये कोड है P0352, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये पेज इस तरह खुल जाएगा। अच्छा, डायग्राम में ये इग्निशन कोयल बताई गई है, ये ECM है, ठीक हो गया, ये IGT1 IGF1, ठीक हो गया, ये कोयल नंबर 2, 3 और 4, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें ये ECM है आपका, ठीक है, ये देखें ये ECM है और ये कोयल है, ये कोयल नंबर 1 है, ये कोयल नंबर 2 है, ये ऊपर लिखा हुआ है इग्निशन कोयल नंबर 2, ये 3 और ये नीचे 4 है। इसमें ECM में ये एक नंबर तार जो है ना, एक नंबर तार आपकी बनेगी ये बी पॉजिटिव बनेगी, जिस तरह ये कॉयल है इसकी एक नंबर तार, ये जो लेफ्ट वाली तार है इसकी बनेगी आपकी बी पॉजिटिव बनेगी, और चार नंबर तार यानी ये वाली तार आपकी बनेगी ये ग्राउंड बनेगा, ठीक हो गया। अच्छा, और दो नंबर तार जो है वो IGF बनेगी, दो नंबर तार ये यानी ये कोयल की ये दो नंबर ये जो तार है IGF बनेगी, ठीक है, दो नंबर तार आपकी IGF बनेगी, और तीन नंबर तार बनेगी IGT। IGF जो तार होती है वो चारों कोयलों की एक तार बनेगी, यानी कोयल नंबर तार नंबर दो जो है ना इसकी दो, और ये देखें ये वाली दो, ये आगे आ गया, नीचे आएगा आपका जंक्शन कनेक्टर आएगा, ये जंक्शन कनेक्टर बना हुआ, सॉरी मैं बताता हूँ, ये वाला ये जंक्शन कनेक्टर है, ये देखें इसकी भी दो नंबर IGF है, इसकी भी IGF है, ये नीचे आके जंक्शन कनेक्टर में मिल जाएंगी और ये सीधी जाएगी एक तार, यानी चार कोयलों की तारें बन के एक तार बन के सीधी जाएगी आपके ECM में, ठीक हो गया, ये ECM में लिखा भी हुआ IGF, ओके। अच्छा, ये जो कोयल नंबर एक पे जाते हैं ये IGT 3 होगी, और थ्री नंबर तार जो है IGT, ठीक है, ये आपकी एक एक तार बनेगी, यानी एक नंबर कोयल की IGT 1 बनेगी, फिर इग्निशन कोयल नंबर 2 की IGT, ये नंबर 3, यानी ये भी नंबर 3 है, ये भी नंबर 3, ये तार नंबर 3 है, लेकिन ये अलहदा अलहदा बनेगी, इनके कलर भी अलहदा अलहदा होंगे, ठीक हो गया। यानी इग्निशन कोयल की दो नंबर, यानी चार कोयल होती हैं और चारों की ये जो दो नंबर तार है वो एक बन जाएगी, वो एक सीधा हमारे ECM में जाएगी और उसको हम बोलेंगे IGF। जो IGT है वो अलहदा अलहदा तार निकलेगी, यानी चार कोयलें हैं तो चार निकलेंगी, अगर छः कोयलें हैं तो छः तारें निकलेंगी, ठीक है, और तार नंबर इग्निशन कोयल की तार नंबर जो है वायर नंबर 4 है वो हमारा होगा बॉडी ग्राउंड, वो कंप्यूटर से नहीं, वो बॉडी ग्राउंड है, कहीं से भी मसलन के मिल सकता है, इंजन से मिल सकता है, बॉडी से मिल सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह ये चीज़ ये वर्क करेगी, ठीक है, यानी एक नंबर पे बी पॉजिटिव आएगा, दो नंबर पे IGF है, तीन नंबर तार इग्निशन कोयल की IGT है, तीन नंबर तार, ठीक है, और जो चार नंबर तार बनेगी ये देखिए, ये चार नंबर तार है ये ग्राउंड की है, ये GND लिखा हुआ, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड की तार बनेगी।
और ये कॉइल का सीधा रुख है ये वाला, ठीक है। पहला नंबर और दो नंबर, ये फर्स्ट नंबर इधर आएगा, ठीक है। दो नंबर, तीन नंबर और ये चार नंबर तार, ये इस तरह ये चलेगा ये।